तो गाइस सैमसंग फिर से अपने रिवोल्यूशन पे आ गया है। इस बार सैमसंग कुछ ऐसा ले आने वाला है कि स्मार्टफोन की दुनिया पूरी टोटली बदल जाने वाली है। अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, डेफिनेटली वैसी जैसी सेम थी वैसी नहीं रहेगी, मेरे इस बात का आप यकीन करिए। नहीं कर सकते हैं तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। सिर्फ 7 दिन या उससे भी कम टाइम में सैमसंग का जो नया इवेंट होने वाला है उसमें जो सारे नए स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस लॉन्च होने वाले हैं उसको आप देख करके डेफिनेटली ये जरूर कहेंगे। तो अब तो स्मार्टफोन की दुनिया में रिवोल्यूशन सैमसंग ले आ ही दिया है। सैमसंग के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वाले वीडियो में बताने वाला हूं और सारे ब्रांड्स जो अभी उनको फॉलो कर रहे हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूं कि सैमसंग को कैसे फॉलो कर रहे हैं। आईफोन सिर्फ इकलौता स्मार्टफोन नहीं है मार्केट में जिसको कि लोग कॉपी करते हैं, सैमसंग भी ऐसा है जिससे कि इवन आईफोन भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदता है और अपने स्मार्टफोन में डालता है। मार्केट में सैमसंग की जो R&D है वो सबसे तगड़ी है। तो आने वाले सारे फीचर्स को हम कवर करेंगे और बताएंगे कि आपको S24 क्यों इतना बेसब्री से इंतजार करना चाहिए उसके लॉन्च का। मैं अगर शुरू से बात करूं तो सैमसंग ने फोल्डिंग फोन ले आकर के ही रिवोल्यूशन शुरू कर दिया था बहुत शुरुआत में ही, और जो अदर स्मार्टफोन्स हैं लगभग 3 से 4 साल बाद सैमसंग के उस लीगेसी को कॉपी कर पाए हैं। जैसे वन प्लस में आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन जो फोल्डिंग वाले आ रहे हैं अब आ रहे हैं, दूसरे टेक्नो वगैरह वगैरह सब में, मतलब इवन छोटे से बड़े सारे ब्रांड्स अब फोल्डिंग स्मार्टफोन ले आने लगे। तो ऐसा कुछ तो रहा होगा जो सैमसंग ने 5 साल पहले ही देख लिया था और उसको लॉन्च किया था जिसको कि अब ये 5 साल बाद लोग कॉपी कर पा रहे हैं। क्या पता फ्यूचर में आईफोन भी अपने फोल्डिंग स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च कर दे। समझ रहे हो ना? और तब आपको पता चलेगा कि सैमसंग कितना आगे रहता है अपने किसी भी इन्वेंशन के मामले में। अभी आ रहा है S24 की सारी सीरीज आने वाली है, S24 प्लस और अल्ट्रा, तीनों स्मार्टफोन्स बहुत ही तगड़े आने वाले हैं। और ये S24 अल्ट्रा कैसे इस मार्केट में वर्ल्ड का जो रिवोल्यूशनरी चीज लेकर के आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं शुरुआत करूँ सबसे इसके तगड़े चीज की, तो सबसे बढ़िया और तगड़ा चीज इसमें आपको क्वालकॉम का Snapdragon Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है, वर्ल्ड का अब इस टाइम का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा। और आपको S24 में आपको यही प्रोसेसर मिलेगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि लास्ट S23 अल्ट्रा में क्या ही आपको प्रोसेसर मिला था, आपको जो प्रोसेसर मिला था उससे कितना डेडिकेटेड आप परफॉर्मेंस ले सकते थे S20। अब S24 में जो अभी का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है Gen 3 वाला Snapdragon का डेडिकेटेड, में भी ये भी डेडिकेटेड हो सकता है Samsung के Galaxy स्मार्टफोन्स के लिए, और वो मिलेगा तो आपको परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी मिलेगी, उसमें जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कितनी तगड़ी मिलेगी, मतलब Samsung के जो लेंसेज होते हैं कैमरा लेंसेज होते हैं खुद का जो सेटअप होता है कैमरे का वो ही बहुत तगड़ा होता है, जब उसको इमेज प्रोसेसिंग काफी तगड़ी मिलती है तो वो कितना बढ़िया निकल के आएगा आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं कैमरा की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का आपको पेरिस्कोप वाला टेलीफोटो लेंस और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। उसके अलावा जो आपको 200 मेगापिक्सल वाला जो आपको कैमरा मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो तीनों का सेटअप भी इस बार और ज्यादा एडवांस हो गया है, जो आपको सारे लेजर वाले ऑटो फोकस मिलते हैं, लेजर ऑटो फोकस वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा, काफी तगड़ा होने वाला है। अगर एक और नई चीज की बात करें तो इसमें Wi-Fi 7 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसमें Wi-Fi 7 जरूर मिल सकता है, उससे एडवांस 5.3 ब्लूटूथ उसमें मिल सकता है डेफिनेटली। अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपको One UI 6.1 मिलेगा जो कि सबसे एडवांस है One UI का, और इससे पहले आपको किसी दूसरे स्मार्टफोन में अपग्रेड डेफिनेटली नहीं मिलेगा। सैमसंग चाहता है कि सबसे पहले ये सारे अपग्रेड्स आपके S24 अल्ट्रा में मिले। इसके बाद जो सबसे बड़ा फोकस है इस स्मार्टफोन का जिसके लिए बहुत बज है मार्केट में वो है इसका इमरजेंसी वाली कनेक्टिविटी। मतलब अगर ये इसके बारे में बताऊं तो ये सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा आपके स्मार्टफोन का, और अगर आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो तो जैसे आपके ये फीचर्स आपके आईफोन में हुआ करते थे और आपके एप्पल वॉच वगैरह में हुआ करते थे वो फीचर अब इसमें आ रहा है। और इस इमरजेंसी फीचर का आप यूज बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कहीं फंस गए जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपका सिम नहीं चल रहा है, तो आप इसके जरिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी नोटिफिकेशन मैसेजेस भेज सकते हैं ताकि आपको वहां से बचाया जा सके, निकाला जा सके, या आप किसी से जो डिस्ट्रेस कॉल होता है ना वो सारी चीजें आप कर सकते हो सैटेलाइट की इस कनेक्टिविटी से। तो ये सारी चीजें जो सर्वाइवर वाले फीचर्स है ना वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अभी तक जो भी फीचर्स थे वो आपको एंजॉयमेंट या आपके यूजेबिलिटी के हिसाब से होते थे, पर अब सर्वाइवल वाले फीचर्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अगर लास्ट में मैं बात करूं तो सबसे बड़ा फीचर जो अभी मार्केट में जिसके लिए ब्रांडिंग भी की जा रही है, और आपने अगर देखा होगा बहुत ज्यादा पोस्टर्स, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट वगैरह भी चल रहे हैं, वो है गैलेक्सी का AI। तो अब स्मार्टफोन्स में भी अगर AI का यूज कर दिया जाए तो आपके लिए कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ सकती है। मतलब AI आपको बता सकता है कि आप कैमरा किस एंगल पे खींचो, इवन AI आपको बता सकता है या लाइव फोटोज में AI आपके ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकता है और आप फोटोज ले सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो, इवन कि AI आपको आपकी यूजेबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे सजेशंस दे सकता है, बहुत सारे कॉल्स हो सकता है कि वो आपके बिहाफ पे रिसीव करके अगर आप उसे बताओ कि मेरे बिहाफ पे रिसीव करो, मे बी ये सारी चीजें भी हो सकती है क्योंकि AI में बहुत ज्यादा डेटा होता है, वो आपके सारे बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। AI
AI का स्मार्टफोन में यूज इतना ज्यादा है कि आप अभी मैं और आप दोनों अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो गैलेक्सी AI है सैमसंग के जरिए स्मार्टफोन में आने वाला है और ये काफी देखने लायक चीज होगी। और स्मार्टफोन में आने के बाद जैसे S23 या S24 अल्ट्रा जैसे स्मार्टफोन में अगर इसका अपग्रेडेशन होता है तो कैसा होगा ये आप इमेजिन कर सकते हो। और इसलिए ही ज्यादा इतना ज्यादा मार्केट में बज़ बना हुआ है S24 अल्ट्रा को लेकर के। तो जो सारे फीचर्स हैं आप जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बढ़िया बैटरी बैकअप, बढ़िया कैमरा, बढ़िया डिजाइन, मार्केट में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे AI वगैरह जो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ इस स्मार्टफोन में होगा, डेफिनेटली होना चाहिए। ये वर्ल्ड का टॉप स्मार्टफोन अगेन बन जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप वेट कर रहे हो स्मार्टफोन को लेने के लिए तो आपको जरूर वेट करना चाहिए और लॉन्च हो जाए आप प्री बुकिंग कर लो, आपको उसमें बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। 5000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत सारे जुगाड़ वगाड़ लगा कर आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं सैमसंग में शुरू में, आपको आईफोन में जो कि कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप डेफिनेटली इसके लिए जाइए, जल्दी से प्री बुकिंग करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।